देखिए एमयू का एक व्यक्ति अहमद मुस्तफा फरज मेरे आईडी खोलना, उसको 151 में कल दाखिल किया गया था। कल उसकी जमानत नहीं थी, उसको जेल भेज दिया गया। आज सुबह एमयू के दो प्रोफेसर ने अपनी जमानत आकर के दी, तो नियमतः चूँकि जमानत प्रस्तुत हो गया तो उनको हमने जो है हम मुक्त कर दिया। सर किस इल्जाम में वो आया था यहाँ? शांति भंग में, संभवतः कल वहाँ ये गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कुछ शांति भंग करने का प्रयास किया था, जिसमें ट्रेडियल टीम ने तहरीर देकर के उनको बंद किया। सर जमानत में कुछ बिंदु भी खोले गए? नहीं, जमानत में कोई बिंदु नहीं होता। जमानत में इस चीज़ की सिक्योरिटी होती है कि भविष्य में वह कभी भी शांति भंग करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर उसने भविष्य में फिर शांति भंग करने का प्रयास किया तो जो जमानतदार है उनकी जमानत की धनराशि की जब्ती की जाएगी, और इसके संबंध में जमानत लेने वाले को और जो भी लोग थे उनको स्पष्ट रूप से समझा दिया गया। दो टीचर्स ने, प्रोफेसर इमरान नसीम और मैं, हम लोगों ने बना दी उस बच्चे की, और अब वो 151 की दफा थी तो उसमें फौरन जमानत भी होगी, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अभी एक दो घंटे के अंदर वो जेल से रिलीज हो जाए। जिस तरह से कल जो पूरा रास्ता जाम कर दिया था, अब इस टाइम क्या पोजीशन है? अब रास्ता बिल्कुल साफ है और कोई अब ऐसा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट एजुकेटेड है, और ये बात ये है कि जब तक वो बच्चा उनके पास नहीं पहुँचता तब तक उनको इतना नहीं होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जेल से रिलीज़ करा कर दें और स्टूडेंट्स के सामने उसको प्रोड्यूस कर दें ताकि उनकी बेचैनी जो है कम हो। सर कल क्या दिक्कत रही थी जमानत में? कल शाम को कल जमानत में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि चूँकि 4:30 बजे के बाद अगर जेल में बच्चा चला जाता है तो फिर जेल के बाद जमानत करानी पड़ती है कोर्ट से, तो वही एक दिक्कत थी जिसकी वजह से कल 3 बच्चों को जो स्टूडेंट उनको रिलीज़ कर दिया गया। चूँकि इनके स्टेटस ये है कि ये दैन एप्लीकेंट फॉर PhD एंड ये ऑलरेडी गिवन अ टेस्ट, तो ये इज़ वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो ऐसी हालत में एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको आज जमानत लेनी पड़ी।